हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन दम बिरयानी। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनके तैयार होती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 600 ग्राम मटन लिया है। मटन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब इसमें हम मैरिनेशन अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे पक्की बिरयानी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एक घंटा मैरिनेट किया था। आप चाहे तो ओवरनाइट मैरिनेट करके कच्ची बिरयानी बना सकते हैं। तो एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें मिक्सर में ऐड करके पेस्ट बना के ऐड कर ली हैं। 200 ग्राम दही लिया था, गाढ़ा दही इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट भी एनहांस होता है और ग्रेवी भी अच्छी फॉर्म होती है। आधे नींबू का रस, बड़े साइज़ का नींबू लिया था मैंने, लगभग 1 टेबलस्पून नींबू का रस होगा ये। कुछ सूखे मसाले, तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बिल्कुल भरकर धनिया पाउडर, और ये है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम इलायची का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो ताज़ा इलायची को पीस कर ऐड कर सकते हैं। और मैंने 1 चम्मच सुहाना का रेडीमेड गरम मसाला ऐड किया है। ये है 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बिरिस्ता बना लिया था। हल्का सा चूर लें और इसको ऐड कर लें। मुट्ठी भरकर हरा धनिया और मुट्ठी भरकर पुदीना लिया है। धनिया पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर लेना है इसमें। ये है प्याज का ही तेल जो मैंने प्याज जिसमें तल के निकाल लिया था। तो कम से कम 1/2 कप ऑयल हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें नमक ऐड कर लेंगे, तो 1 टेबलस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कम से कम 1 घंटा आपने मैरिनेट कर लेना है। अगर आपके पास वक्त है तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1/2 किलो चावल के लिए कम से कम 2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड किया है और 2 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड किया है। कुछ खड़े मसाले हम ऐड कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 तेज़पत्ता लिया था, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च और 5 से 6 इलायची ली है। मुट्ठी भरकर हरा धनिया, मुट्ठी भरकर पुदीना ऐड किया है। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 3 से 4 फीकी वाली है ये जिसको मैंने चीरा लगा के ऐड किया है। और 1/2 बड़े नींबू का रस ऐड कर लेंगे। नींबू का रस ऐड करने से चावल जो है ये बहुत खिले खिले और छोटे बन के तैयार होते हैं। पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आने लगा था तो मैं यहाँ पर चावल ऐड कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन इस्तेमाल करें, तो इससे बिरयानी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। चावलों को ऐड करने के बाद इसमें जैसे ही बॉईल आ जाए तो 5 से 6 मिनट हमने मीडियम करके फ्लेम कुक कर लेना है। यहाँ देखिए 5 से 6 मिनट बाद चावल अच्छी तरह से लंबे हो गए हैं और 90% कुक्ड है ये। इसको हम ड्रेन कर लेंगे पानी को और चावल को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने मटन ऐड कर लिया है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको पतीले में भी बघार सकते हैं, बस आपने उसको थोड़ा ज़्यादा देर कुक कर लेना है जब तक मटन गल नहीं जाता है। 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे। दही और मटन भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो प्रेशर कुकर का लिड कवर कर लें। 1 विसल लगा के मैंने 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से मटन को गला लें। तो अब यहाँ देखिए कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो इसकी ग्रेवी सी फॉर्म हो गई है, ऑयल भी ऊपर सरफेस आउट हो गया है, कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, इसलिए मैंने इसमें और पानी ऐड नहीं किया था। अगर बहुत ड्राई है तो 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लें, वरना बिरयानी नीचे से लग सकती है। अब यहाँ पर मैं चावल ऐड कर रही हूँ जो हमने बॉईल कर लिया था। 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लें ताकि चावल मॉइस्ट बने रहें। इसमें खूब सारा हरा धनिया, पुदीना, आप चाहें तो तला हुआ प्याज भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, और फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लें ताकि चावल ऊपर से मॉइस्ट बने रहें और स्टीम बन जाए इसमें। बस इसको कवर कर लेना है, 1 विसल लगा लें और गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। फ्लेम ऑफ करने के बाद ये ठंडा हो गया है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखिए चावल बहुत ही खिले खिले और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये बिरयानी बिल्कुल भी नहीं लगी है नीचे से और बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसको आप कचुम्बर के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं।
बकरीद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान सी रेसिपी है। मैंने पक्की बिरयानी बनाई थी, आप चाहें तो कच्ची बिरयानी भी बना सकते हैं। इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लें और फिर आप मटन को नीचे कच्चा ही रख सकते हैं और आधे घंटे के लिए दम कर लें, तो इससे ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।